What a wonderful world. What a wonderful world. हम निकले हैं अभी, पहले तो हमें कुरियर करवाना है, DTD से जाएंगे पहले, उसका वेट वगैरह के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना उसका चार्ज लगेगा, क्योंकि ये कुरियर था जो मेरे पास आया, ये कुछ ऐसा सामान है मतलब जो दो तीन बार मेरे पास आया है और वो बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे घर पे और मुझे उसको वापस करना है। अभी हम पहले DTD से जाएंगे, बाकी सब तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है हम वहां जाके, पर उससे पहले मैं ये सोचूंगी कि अगर मुझे पता चले कि क्या अमाउंट है, मैं उस बंदे से बोलूंगी भाई इतना इतना पे करना ही है आपको, तो देखती हूँ अगर वो बोलेगा कि ठीक है मैं पे कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कोई करेगा तो मैं अपने पास ही रख लूंगी और उसका जुगाड़ कर दूंगी कुछ ना कुछ, है ना। और उसके बाद कुछ कपड़े हैं मेरे पास जो कि मतलब कुछ होमलेस लोगों को देने के लिए, ठंड के कपड़े, मेरे और मेरे सिस्टर के आउटफिट्स ऐसे, तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि किसी को देने के लिए, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ जहाँ कहीं भी हमें लोग मिलेंगे तो हम दिल्ली में देंगे। दिल्ली में काफी रेड लाइट्स में काफी सीन ऐसा है कि लोग भाई ठंड में पड़े हैं, हाँ तो मतलब ऐसा है कि उनको कपड़े वपड़े उनके पास होते भी नहीं है सच में, तो हम उनको ऐसे दे देंगे कपड़े, आई होप हमें मिल जाए। यहाँ पे थोड़े नखरे भी होते हैं तो बताना, यहाँ लोगों के थोड़े से नखरे, बहुत नखरे होते हैं लोगों के पास, पता है लोगों के इतने नखरे। यहाँ पे एक बार एक बंदा पैसे मांगने आया था, हाँ एक बच्चे का भाई, वो तो छोड़ो मैं एक पैसे की बताता हूँ भाई, एक लड़का एक अंकल थे पैसे मांगने, मैंने ना उन्हें 5 रुपए दिए भाई, 5 रुपए कम थोड़ी होते हैं यार, 5 रुपए होते हैं भाई, भाई 5 रुपए फ्री में किसी को देना तो 5 रुपए ही है, मैंने उसे 5 रुपए दिए, वो बंदा पता उसने वापस अंदर फेंक दिया गाड़ी में और बोल रहा है कि भाई रख ले ये भी। मैं भाई क्या करूं, तेरे को अपनी संपत्ति दान कर दूं, अपनी जायदाद तेरे नाम कर दूं, गाड़ी के कागजों पे तेरा नाम लिखवा दूं, भाई क्या चाहिए तुझे मुझसे, मुझे ये बता दे भाई। अच्छा वो बताते हैं, एक बच्चा था मतलब वो कहीं से तुम्हें नहीं लगेगा कि वो बेगर है या कुछ, मतलब गरीब है, कुछ भी नहीं लगेगा, वो इतना हट्टा खट्टा, भाई हम नहीं है इतने हट्टे खट्टे, मोटा ताजा एकदम बंदा आया, कहता भैया कुछ, भैया पानी पिला दो, भैया कुछ खिला दो, पैसे दे दो, पैसे मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, उसने बोला कि क्या खा, उसने बोला क्या खाना है, बोला भैया कुछ खिला, फिर उसे बोलने लगा वो कुछ खिला दो कुछ खिला दो, फिर उसके अब यार ये आदमी है ना, देखो पूरा आदमी है, तो मतलब अभी एक और सीन बताऊंगी, अभी भी मैंने कुछ देखा, तो उस बंदे ने बोला कि भाई हमें कुछ खिला दो, अब हमने कहा चलो ठीक है, हमने ना राजमा चावल लिए, तो हमें हमने सोचा राजमा चावल दे देते हैं इसको, 24/7 से राजमा चावल ली, हमने उसको बुलाया इधर आ, तो उसने बोला आया अजीत ने बोला कि ये ले राजमा चावल, उसने बोला क्या है, उसने बोला क्या है, तो इसने बोला राजमा चावल, बोला नहीं भैया मैं तो पार्टी में खा के आयो, पता है मैंने उसे राजमा चावल, हमने उसके लिए एक प्लेट राजमा चावल खरीद लेके, चल भाई बच्चा भूखा है हम राजमा चावल दे देते हैं, भाई हमने उसे राजमा चावल दिए, पता क्या कह रहा कि भाई क्या है, मैंने पहले पूछा उसने क्या है, मैंने उसे बोला कि राजमा चावल ले खा ले, तो पता उसने मेरे को जवाब दिया कि नहीं नहीं राजमा चावल नहीं खाने, मैं तो पार्टी में खाकर आया हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए थे, फिर मेरे को मैंने बोला नहीं, मैंने उसे बोला कि तू मांग क्या रहा था, चुपचाप चला गया भाई, मेरे को मतलब इतना गुस्सा आया ना भाई, थोड़ा सा तुम्हें पता है दिल्ली वाले हरामी तो होते हैं, मेरा मैं उसे गाली दी, मैंने उसे एक दो गालियां दी, बस बच्चों को देनी नहीं चाहिए, लेकिन वो देखो ना गाड़ी के पीछे पड़ गया, ये आदमी है मतलब ये छतरपुर की ये आदमी है और ये भाई किन्नर बन के पैसे मांगते हैं यहाँ, मतलब किन्नरों का भी मतलब बदनाम कर रहे हैं एकदम, बहुत हद है मतलब लोगों की, कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए कुछ भी, मतलब पूरी उसकी इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड आ रखी है भाई, और उसने मास्क लगा के कवर कर रखा है और सूट साट पहन के चुन्नी वुन्नी बांध के पैसे मांगते हैं, अभी अभी तो हमारे पास नहीं आए, वरना हमारे पास भी ये सॉफ्टवेयर रोड की रेड लाइट है, आप कभी भी आओगे ना आपको कभी भी दिख जाएगा ये बंदा, ये मतलब एक दो बंदे हैं, ये आदमी है पूरे। और एक बार पता है क्या, मैं ऑटो से घर आ रही थी, बंदा आधे ऑटो के अंदर घुस गया, इतनी गंदी उसके मुंह से स्मेल आ रही थी दारू की, मैंने जब घबराहट के मारे पैसे दे दिए उसे, भगवान कृपा लड़ाई झगड़ा दूर रखते, लेकिन भाई मेरे सामने आ जाए ना साले में रहपटे दू पहले तो, सबसे पहले कान पे, जो बाहर निकल तू अंदर कैसे घुसा, और फिर इसका मास्क उतारू इसको मारू अलग,
भाई इतना गंद मचा रखा है ना भाई, आदमी है पूरा दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा भी नहीं छोटी, ये भी नहीं इतना बेशर्म है, ये भी नहीं शेव कर लो, शेव भी नहीं करता भाई, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के घूम रहा है बंदा, और वहाँ पे किन्नरों का भी नाम बदनाम कर रहा है उन बेचारों का भाई, वहाँ पे पैसे मांग रहा है, तालियां बजा रहा है, पता नहीं क्या पीछे पड़ जाता है भाई, और मुंह से दारू की गुटके की बीड़ी की स्मेल आ रही है, इतनी गंदी भाई, सच में बहुत गंदा सीन है यहाँ पर। यहाँ पे और भी लोगों ने वीडियो बनाई यार इन लोगों की, मैंने देखी भी है, हाँ और भी लोगों ने इन लोगों की वीडियो बना रखी है, ये बहुत वो है, कोई किसी ने इन्हें मारेगा बहुत पकड़ के यहाँ पे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप पे, कपड़े देने पहले पहले हम देखेंगे बच्चों को, बच्चों को कपड़े देंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है यार, मैं एकदम क्या बताऊँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करती ऐसे जल्दी से, मैं क्या बोलना है उसको कि यार मेरे पास कुछ कपड़े हैं, उसको कुछ नहीं बोलना यार, अगर उन्हें जरूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेंगे। बोलना यार मेरे पास कुछ कपड़े हैं, अगर आपको जरूरत है तो क्या मैं आपको दे दूं, ये वो फलाने ढिमका ना, मतलब ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। हाँ मैं बोलूंगी बस लड़कियों के लिए या मेरे, हाँ और कितने कपड़े होंगे टोटल तुम्हारे हिसाब से, 8-10? नहीं ज्यादा ही है, 8-10 से तो। बोलो एक दो लड़की और है तो उन्हें बुला लो, एकदम साफ सुथरे हैं। हाँ और बोलो साफ सुथरे नए कपड़े एक आध बार पहने हुए, बस लड़की से पूछ के आते हो। अरे यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो भाई अब ये पूछने गई है, अब मुझे नहीं पता क्या बात है, डरो मत कुछ नहीं होगा यार, मेरे पास ना कुछ कपड़े हैं पर मेरे साइज के है वो, और बिल्कुल सही है, तो तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूं, आ जाओ। और कोई लड़की है क्या मेरे जितनी है? ठीक है, वैसे बिल्कुल नए है, साफ सुथरे है, तुम एक बार देख लो कि तुम्हें कौन से आएंगे और तुम उसके अकॉर्डिंग ले लो। ठीक है ये सारे है, ठीक है, और जिस जिसको जरूरत हो उसको दे देना, ठीक है, थैंक यू। चलो शुक्र है कोई तो मिला, किसी को तो मिला, बहुत सारे कपड़े कह रही है मुझे जरूरत है, और मेरी सिस्टर को, मेरी बहन भी है, मैं उसको दे दूंगी, तो मैंने उसको दे दिया। चलो ठीक है ना, उस मैंने पहले मैंने उसको देख के स्माइल करी, तो उसने भी स्माइल करी सच में, बाहर से कैसे देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा। हाँ होता है थोड़ा ऐसा सीन, तो मैं समझ गया यार, वो बहुत स्वीट थी, उसने बोला कि मतलब मेरी बहन है, मेरी बहन है उसको आज, मैंने बोला और कोई लड़की है जो मतलब मेरे जैसी हो हाइट वगैरह, तो जैसे तुम्हारी जैसी हो मतलब, तो उसने बोला हाँ मेरी बहन है आप दे दो, मैंने बोला तुम देख लो अगर तुम्हें उस देखना है तो, है ना, तो उसने बोला कि नहीं नहीं आप दे दो, मेरी बहन भी है मैं उसको दे दूंगी, मैंने बोला ठीक है। तो अभी हमने कपड़े भी दे दिए और हम उसका भी पूछ के आ गए पार्सल के लिए, मतलब पोस्ट ऑफिस से ही पूछ लिया था हमने कि स्पीड पोस्ट वगैरह का, तो उन्होंने कहा कि अगर 20 केजीज है तो 1400 समथिंग कुछ लगेगा अमाउंट, क्योंकि वो गुजरात का एड्रेस है और 4-5 दिन में मैक्सिमम पहुंच जाएगा, अगर बाहर का सिटी टाइप का ही हुआ तो, और अंदर अंदर हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं उस बंदे से बात करूँगी, फिर पता चलेगा कि मुझे भेजनी भी है या नहीं भेजनी, नहीं भेजूंगी तो मैं खुद पहनूंगी। तो ज्योति आई गई, नहीं बड़ी मुश्किल से हमें मिली है ये कॉफी शॉप, लड़ झगड़ के इसे लड़ रही है डिफेंस कॉलोनी के अमेरिकन, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। भाई काफी से मोटी हो गई है ना, कैसा लग रहा है? मोटा 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 मोए मोए की जगह मोटा मोटा, बहुत सुंदर। हमने एक और नई जगह ढूंढ ली है आने की, है ना? हाँ ये सुंदर है, अच्छा है ये सिटिंग है, खाना भी टेस्टी। तो गाइस अभी हमने बहुत टेस्टी कॉफी पी और बहुत टेस्टी सैंडविच खाया, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया। सैंडविच कब खाया? सॉरी ओ माय गॉड सॉरी, पिज्जा खाया, पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी मार्गरेटा पिज्जा खाया। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मजा आया। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हम मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय, टाटा।